और आज सरायकेला के भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण जारी है और आज इस बीच सरायकेला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। चूंकि कार्यक्रम का यह दूसरा चरण है और 14 नवंबर तक यह जो है आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण जारी रहेगा। पहला चरण की समाप्ति के बाद और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता को संबोधित करते हैं, आपको लिए चलते वहीं। और जब पहचान बना तो आज इस पहचान को और चार चांद और उसको मजबूती के लिए 1932 और सरना कोर्ट को भी हम लोगों ने राज में मोहर लगाई और अपने विपक्षियों से हमने कहा था थोड़ा तो साथ दो। आज केंद्र में तुम्हारी सरकार है, आज इसमें नवी सूची में हमने केंद्र में भेजा है, केंद्र में मोहर लगा यहां ओबीसी को 27% का आरक्षण जल्दी से जल्दी मिले, लेकिन इसका बहिष्कार करके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों में। एक दिन प्रकार इन सरकार को पर झूठा आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हमने इनको कह दिया अब आने वाला राजनीतिक लड़ाई में इस राज का बूढ़ा बुजुर्ग इनको जवाब देगा, जिसका वर्षों तक आपने पेंशन नहीं दिया वो विधवा महिला तुमको जवाब देगी, जिसको वर्षों तक तुमने ब्लॉक में दौड़ाया वो विकलांग लोग तुमको जवाब देगा, जिसको तुमने उसका अधिकार नहीं दिया। कोई मुद्दा उनके पास अब बचा नहीं। पिछले बार जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया था उस समय 45 दिनों में 46 दिन में हमको 29 लाख आवेदन प्राप्त हुआ था। 29 लाख आवेदन में लगभग 90% ऑन द स्पॉट उस समस्या का समाधान हुआ और इस बार मात्र 22-23 दिन में हम लोगों को 46 लाख आवेदन प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इतने बड़े संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में समस्या है, कभी किसी ने नहीं सुना था, कभी किसी ने देखा। कैसे इतने आवेदन आ रहे हैं, कभी आप लोगों ने देखा 20 वर्षों में अलग राज्य के इतिहास में झारखंड के इतिहास में कि पदाधिकारी लैपटॉप लेकर कंप्यूटर लेके जेरोक्स मशीन लेके फोटोकॉपी मशीन लेके गांव गांव में शिविर लगा लगा करके आपका एप्लीकेशन ले रहा है, आपसे दरखास्त लिखा रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। और आज ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पदाधिकारी जहां गाड़ी घोड़ा भी नहीं जा पा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, लेकिन उस शिविर में पहुंचकर गरीबों को अधिकार देने का काम कर रहा है। आज ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि जिन लोगों का 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल पुरानी समस्या है उसका समाधान भी तत्काल वहां किया जा रहा है।
अनेकों ऐसे सौगात। अभी इस राज्य में 15 नवंबर हम लोग का स्थापना दिवस होना है और ये जो कार्यक्रम है शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।